मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। आगे का विषय जो मैं लेने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। डॉक्टर बहुत कहते हैं कि अंडा खाना बहुत आवश्यक है, और उनका हिसाब किताब वो जो है ना वो प्रोटीन वाला है, प्रोटीन इसमें ज्यादा है, विटामिन ए ज्यादा है। ठीक है, आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। ये डॉक्टर जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई का नाम है MBBS, है ना, और MD या MS। ये पूरी पढ़ाई आपको मालूम है परदेश से आई है, मालूम है ना। MBBS, MD, MS की पढ़ाई परदेश से आई है, परदेश में भी यूरोप से आई है। यूरोप में जो लोग होंगे, मैंने आपसे कहा उनके पास तो मांस और अंडे के अलावा कुछ है नहीं खाने के लिए, बात समझ में आती। तो उनकी जो पुस्तकें हैं जिनका वो अभ्यास करते हैं, उन पुस्तकों में वही लिखा जाएगा जो वहां पर उपलब्ध है, बात समझ में आई। तो यूरोप में मैंने आपसे कहा ना भाजीपाला होता ही नहीं, यूरोप में दाल होती नहीं, धान्य ज्यादा होते नहीं। तो उन डॉक्टरों को पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में जो लिखा जाता है वो ये कि अगर वो ये लिखना शुरू करें भाजीपाला खाओ तो वो तो मिलेगा ही नहीं, वो लिखे कि इसमें तुअर की दाल खाओ, उड़द की दाल खाओ, उसमें प्रोटीन बहुत है, मिलेगी नहीं वहां पे। तो जितने यूरोप की चिकित्सा विषय की पुस्तकें हैं उनमें यही लिखा हुआ है, अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, क्योंकि यही वहां पर मिलता है। मछली भरपूर मिलती है क्योंकि समुद्र काफी है, अंडा बहुत मिलता है क्योंकि मुर्गियां बहुत हैं, ठंडे प्रदेश में मुर्गी का पालन अच्छे से हो सकता है, और मांस बहुत है क्योंकि पशु भी हैं उनके पास। तो इसलिए उनकी पुस्तकों में यही सब लिखा जाता है। अब हमारे देश में यही चिकित्सा पढ़ाई जाती है MBBS, MS, MD। तो हमने वो चिकित्सा वहां से ले आई, अब वो हमारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी यही पढ़ रहे हैं। उस चिकित्सा को हमने हमारे देश की जरूरत के हिसाब से बदल नहीं किया, माने उन पुस्तकों में बदल होना चाहिए और उसमें ये लिखा होना चाहिए कि भारत में अंडे की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडे का विकल्प हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास तो अंडे का विकल्प बहुत कुछ है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो पुस्तक में हमें बदल करने की जरूरत थी, वो हमने किया नहीं है, तो ऐसे ही वो चल रहा है। तो इसलिए जो डॉक्टर इस विषय को पुस्तकों के आधार पर पढ़कर निकलते हैं वो अपने मरीजों को बोलते रहते हैं अंडा खाओ, कभी कभी तो कह देंगे मांस खाओ, गाय का मांस खाओ, डुकर का मांस खाओ, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन हमारे देश की एक चिकित्सा पद्धति है, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद की पढ़ाई पढ़कर जो डॉक्टर निकलते हैं वो कभी नहीं कहते कि अंडा खाओ, क्योंकि अंडे से जो मिलता है उससे ज्यादा हमारे पास दूसरी चीजों से मिलने के लिए बहुत कुछ है। अंडे में प्रोटीन है तो प्रोटीन तो सबसे ज्यादा उड़द की दाल में होता है, अंडे से भी जास्ते चने की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, मोठ की दाल, इनमें अंडे से भी जास्ती प्रोटीन है। अंडे में विटामिन ए है, लेकिन अंडे से जास्ती विटामिन ए दूध में है, दूध से जास्ती दही में है, दही से जास्ती ताक में है, ताक से जास्ती मक्खन में है, और सबसे जास्ती विटामिन ए तूप में है। तो हमारे पास तो तूप है खाने के लिए, तो विटामिन ए की पूर्ति हो गई तूप से, मक्खन से, ताक से, दही से, दूध से, प्रोटीन की पूर्ति हो गई दाल से, और अंडे में क्या है इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर कोई आपको बोलता है कि भाई आप अंडा खाओ तो उससे कहना कि अच्छा है हम दूध पी लेंगे या तूप खाएंगे, और प्रोटीन की कमी है तो दाल खाएंगे। बहुत बहुत